हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एसएम फार्मेसी चैनल। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपी टैबलेट स्मार्टफोन योजना के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, कितने प्राइस का आपका टैबलेट रहेगा, स्मार्टफोन रहेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ आई हुई है जो कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान का न्यूज़ है। इसमें जो दे रखा है फीचर कि युवाओं को 1 लाख रुपये का टैबलेट, यहाँ पे आपकी जो टैबलेट की प्राइस है वो 1 लाख रुपये और स्मार्टफोन की जो प्राइस दे रखी है वो 9,000 की रहेगी। इसमें क्या क्या स्पेशल फ़ीचर रहने वाले हैं, इतना महंगा लैपटॉप है तो इसमें स्पेशल फ़ीचर तो रहेंगे ही, मतलब टैबलेट है सॉरी, स्मार्टफोन भी काफ़ी सारे फ़ीचर दे रखे हैं, तो वो फ़ीचर क्या है, स्पेशल फ़ीचर क्या है, उसके बारे में यहाँ पर हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योगी सरकार अगले महीने से स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने जा रही है, यानी दिसंबर के पहले सप्ताह से टैबलेट स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। यह गैजेट कई खूबियों से युक्त होंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने 90 दिनों में 2.40 लाख टैबलेट पीसी व 3.50 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए कंपनियों का चयन करने के लिए नियम शर्तें तय कर दी है, यानी इतना टैबलेट रहेगा और इतना स्मार्टफोन रहेगा। इससे संबंधित बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी गई है। इसी महीने कंपनियों का चयन कर उन्हें अलग अलग आपूर्ति का जिम्मा दिया जाएगा। युवाओं को 1 लाख रुपये का टैबलेट व 9,000 रुपये का स्मार्टफोन दिया जाएगा। टैबलेट पीसी में 2 GB की रैम होगी, 5 MP का रियर कैमरा व 2 MP का फ्रंट कैमरा लगा है। इसकी बैटरी 5000 mAh या अधिक क्षमता की होगी। इसमें ब्लूटूथ व GPS की सुविधा होगी। स्मार्टफोन 6 इंच या उससे ज़्यादा का होगा। 32 GB की स्टोरेज क्षमता होगी। इसमें 8 MP का रियर कैमरा व 5 MP का फ्रंट कैमरा है। इसकी 1 साल की वारंटी होगी। हर ज़िले में सर्विस सेंटर होंगे। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक आपूर्तिकर्ता कंपनियों को आवंटित जिले में अनिवार्य रूप से सर्विस सेंटर खोलना होगा। यही नहीं, 24 घंटे संचालित होने वाली हेल्पलाइन भी चालू करनी होगी ताकि टैबलेट व स्मार्टफोन पाने वाले युवा संपर्क कर सकें। इसमें और भी क्या क्या खूबी है, इस खरीद पर मौजूद वित्तीय वर्ष में 3,000 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रकार टैबलेट पीसी की बिड 2500 करोड़ जो होगी, 3000 करोड़ सॉरी, 2500 करोड़ रुपये की स्मार्टफोन की बिड, यानी 2250 करोड़ रुपये होगी। सरकार की कोशिश होगी कि 3-4 कंपनियों का चयन किया जाए ताकि बड़ी आपूर्ति का काम कम समय में कर सके। अगर 2 से 3 कंपनियां बिड में सफल होती हैं तो सरकार को 4.80 से 7.20 लाख टैबलेट मिल जाएंगे। अगर 2 कंपनी भी बिड में कामयाब होती है तो 7 लाख स्मार्टफोन उपलब्ध हो सकेंगे। तय किया गया है कि ये OEM से 1 से अधिक डीलर अलग अलग मॉडल के साथ बिड में भाग ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहने वाली बात है कि यहाँ पे आपको अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मॉडल के टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने वाले हैं। सरकार की योजना को की जो भी जानकारी है वो आपको कंपनी के द्वारा 2 साल तक मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के जरिए 2 साल तक कॉन्टैक्ट का प्रबंधन शिक्षण संस्थानों के छात्रों को उपयोगार्थ करेगी। आपूर्ति में देरी होगी तो लगेगी पेनल्टी। मतलब अगर वहाँ पे जो कंपनियाँ ले चुकी हैं उनको आपूर्ति करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी, अगर वो आपूर्ति उनके लिए हो क्लियर हो चुका है तो अगर वो लेट करती है तो उन पर पेनल्टी भी लगेगी। आपूर्ति में विलम्ब होने पर टैबलेट पीसी का मूल का 0.5% पर सप्ताह की दर से पेनल्टी लगेगी, जो अधिकतम आपूर्ति का 10% होगा। कंपनी को पहले 15 दिन में 100%, 1 महीने में 40% व 75 दिन में 85% व 90 दिन में 100% आपूर्ति करनी होगी। मतलब ये सारी प्रोसेस थी, यानी टैबलेट और स्मार्टफोन की अगर बात करें तो इसकी प्राइस हाई फाई है, यानी उसकी जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे क्या उनको भी इससे वीडियो से काफ़ी मदद मिल सके। थैंक यू दोस्तों।